discuss this interesting story written by R. K. Narayan, the famous Indian English writer. Mr. R. K. Narayan is famous for writing interesting stories. His most famous work is The Guide. A Hindi film has been made on this novel. This present story is an interesting story in which an astrologer is saving himself from a person who was trying to harm him. And he does so only by his presence of mind. प्यारे बच्चों, सेक्शन सी दे पहले पार्ट तुहाडा स्वागत है। ये पार्ट आर के नारायण जी द्वारा लिखा गया है। इस पार्ट दे विच आर के नारायण एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाउंदे हन, जिस विच एक ज्योतिषी अपनी समझ बूझ नाल अपने आप नूं एक मुसीबत तो बचा लैंदा है। दिस एस्ट्रोलॉजर इज नॉट अ रियल एस्ट्रोलॉजर। वट हैपन्स इन द होल स्टोरी लेट अस स्टडी। यह जो ज्योतिषी है ये सच्चा ज्योतिषी नहीं है, पखंडी है। किस तरह कहानी चलती है आओ पढ़ते हाँ। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी लेट्स नो अबाउट द ऑथर। रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी वॉज अ फेमस राइटर नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। ही वॉज अ ग्रेट ऑथर ऑफ early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. He was born on 10th of October 1906 in Madras and died on 13th of May 2001 in Chennai. प्यारे बच्चों, जिड़े लेखक दी आज तुसी रचना पढ़न जा रहे हो उन्हां दा पूरा नाम रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी अते छोटा नाम आर के नारायण है। ओह भारत के बहुत मशहूर इंग्लिश लेखक हैं। इन्हां दे सारे ही नॉवल्स अते कहानियां दे विच तुहानू एक पिंड का नाम सुनन नू मिलेगा, जो कि पिंड नहीं बल्कि एक छोटा जिहा कस्बा ही है जिसनू मालगुड़ी कहा जाता है। मालगुड़ी डेज एक मशहूर दूरदर्शन का सीरियल भी होया जो इन्हों दे ही कहानियों उत्ते आधारित है। मुल्कराज आनंद राजा राव दे नाल तीसरे मशहूर लेखक आर के नारायण होए हैं जो भारती हैं ते अंग्रेजी च लिखते हैं। उन्हों का जन्म 10 अक्टूबर 1906 नूं होया ते उन्हों की मृत्यु 13 मई 2001 नूं हुई। ही गॉट Filmfare Award for Best Story, Padm Bhushan and Padm Vibhushan. जिस तरह मैं तुहानू दस्या कि उन्हां दे नॉवल ते आधारित फिल्म बनी जिस लई उन्हां नू फिल्मफेयर अवार्ड भी मिलिया। इस तो इलावा भारत दे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण ते पद्म विभूषण भी उन्हां नू प्राप्त होए। आर के नारायण इज़ एन इंडियन नॉवलिस्ट। बच्चे ओ की लिखते सी? नॉवल लिखते सी। नॉवल ते कहानी च की फर्क हुंदा है? वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉवल एंड अ स्टोरी? अ नॉवल इज़ अ लोंग स्टोरी। तो कहानी जिहड़ी हुंदी है वो एक साधारण कहानी हुंदी है, पर जदों कहानी नूं असीं बहुत लंबा लै जाइए तो एक नॉवल बन जाता है। सो ही रोट बोथ नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज। आर के नारायण नॉवल भी लिखते सन ते छोटियां कहानियां भी लिखते सन। विद राजा राव एंड मुल्कराज आनंद ही फॉर्म्स अ ट्रायो ऑफ टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन। तो साढ़े तीन लेखक हुए हैं जिहड़े कि इंडो एंग्लियन फिक्शन का मतलब हुंदा है काल्पनिक साहित्य लिखते सन। इंडो एंग्लियन का मतलब हुंदा है इंडो मतलब भारती, एंग्लियन मतलब अंग्रेजी, जो हन भारती मूल दे पर अंग्रेजी च लिखते हैं। सो यह तीनों एक ट्रायो बना लेंदे हैं जो कि बहुत फेमस है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर फेमस। इन 1935 हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स वॉज पब्लिश्ड।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਵਲ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ 1935 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੈਨ ਦ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1937 ਵਨ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੇਜ਼। 1937 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੋਵਲ ਆਇਆ ਦ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ। ਦੈਨ ਫੋਲੋਡ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ 1945, ਦ ਗਾਈਡ 1958। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਫੇਮਸ ਨੋਵਲ 1945 ਅਤੇ 1958 'ਚ ਆਏ, ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ, ਦ ਗਾਈਡ। ਦ ਗਾਈਡ ਵਾਜ ਦ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਐਂਡ ਅ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਵਾਜ ਮੇਡ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਿਸ ਨੋਵਲ। ਇਨ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਐਕਟਡ ਐਜ ਅ ਹੀਰੋ ਐਂਡ ਵਹੀਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਜ ਦ ਹੀਰੋਇਨ। Its music was very famous. Even today, people listen to the music of this film. Bachcho, inna de mashhoor kam da guide de utte ek film vi bani hai, jis film nu bahut sare awards vi mile. Is de hero Devanand, heroine Vahida Rehman san. He was awarded Padma Bhushan for distinguished service to literature. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਐਨ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਏ ਹੈਜ਼ ਅ ਟਿਪੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡਿੰਗ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਟੈਕਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, I'll not read each and every detail, but I'll give you the gist of the whole chapter. In the beginning of the story, we are told about the equipment of the astrologer. In his equipments, he opened his bag and spread out his professional equipment, like a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writings. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching for customers. Students, he was not a real astrologer. He was just acting as an astrologer. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕੌਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੌਰਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਥੀਆਂ। ਮੱਥਾ ਉਸਨੇ ਸੈਕਰਡ ਐਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਭੂਤ ਐਂਡ ਵਰਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਧੂਰ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਮਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੋਲਡ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਪੇਂਟਿਡ forehead and dark whiskers. ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ। ਟੂ ਕਰਾਊਨ ਦ ਇਫੈਕਟ, ਹੀ ਵਾਊਂਡ ਅ ਸੈਫਰਨ ਕਲਰ ਟਰਬਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹਿਸ ਹੈਡ। ਦ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਨੈਵਰ ਫੇਲਡ। ਪੀਪਲ ਵਰ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੂ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਬੀਜ਼ ਆਰ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੂ ਕੋਸਮੋਸ ਔਰ ਡੈਲੀਆ ਸਟੋਕਸ। ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਸੈਫਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਾਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀਆ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Now I will tell you about the place where he sat. He sat under the boughs of a tamarind tree. Tamarind means imli. Imli de drakat diyan chhandar taniyan de thalle oh baithda si. What was the place? Town Hall Park. Eh jagah kehdi si? Town Hall Park. And it was a path running in the park. Park de vich ik rasta si,
उस रस्ते ते इसने अपनी जगह बना रखी सी। उस दे नेड़े तेड़े होर कौन सन, हु वर द अदर पीपल अराउंड हिम, अ वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स एंड ऑक्यूपेशंस वॉज रिप्रजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, मेडिसन सैलर्स, सैलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मजिशियंस एंड अबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ्स। आले दुआले दे लोकां दे विच कौन सी बई, अलग अलग तरह के किते कर रहे सी, जो दवाइयां वेचन वाले जां कुछ अजिहा चोरी का समान, हार्डवेयर हुंदा जो असी कि कोई मशीन या उस दे हिस्से जिहड़े है वह वेचदे आ। सो एक किहो जे हुंदे सी, स्टोलन मीनस चोरी कीतियां हुई चीज़ा सस्ते च बेचते सी, चोर बाजार भी लग्या सी उत्थे। और जंक हुंदा बेटा कबाड़, जंक का व्यापार करन वाले, एंड जादूगर मजिशियंस वो भी उत्थे बैठते सी। ते सब तो वड्डी गल है कि सस्ता कपड़ा दी नीलामी करन वाले भी उत्थे ही बैठते सी। सो ये सारिया जगह, इस जगह नूं उन्हें क्यों चुनिया एस्ट्रोलॉजर ने, बिकॉज ऑल डे सो मैनी पीपल वर अट्रैक्टिड टू ऑल दीज थिंग्स, एंड नैक्सट टू हिम वॉज अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एंड ऑन द नैक्सट डेली आमंडस, एंड ऑन द थर्ड राजाज डेली केसीज, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम। तो इस एस्ट्रोलॉजर के नज़दीक एक होर जना भी बैठता सी, जो कि बहुत सारे लोगों नूं अपने वल आकर्षित कर लैंदा सी। ये कौन सी? ये सी एक ग्राउंड नट वेंडर, यानी कि मूंगफलियां बेचन वाला। वो अपनियां मूंगफलियां दे हर रोज़ नवे नवे नाम रख लैंदा, जिस तरह बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली दे बादाम, राजा दे पकवान, अते अजिहे ही होर अजीब अजीब नाम। इन्हां नामां नूं सुन के लोग उस वल बहुत आकर्षित हुंदे सन।